नमस्कार। आइए इस बात पर प्रकाश डालने से पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पहुँच कर देख सकते हैं और लिंक तक जाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके साथ की। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली, इसके बारे में मैंने हमेशा कहा है, किसी भी व्यक्तियों को यदि जीवन में अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त करता है, यदि वो जीवन में किसी स्तर तक पहुंचता है, यदि वो जीवन के बहुत बड़े पड़ाव तक पहुंच सकता है, तो अच्छी बुद्धि का होना ज़रूरी होता है और उसके लिए कनिष्ठा उंगली का अच्छा होना ज़रूरी होता है, जो सूर्य के पहले भाव तक पहुँच गई है। ये सारी की सारी गुणवत्ताएँ इस उंगली के अंदर, बहुत ही अच्छा फ्लेंस आपका ये यहाँ पर मौजूद है। अब बात कर लेते हैं आपकी सूर्य की उंगली की। ये सूर्य की उंगली है और सूर्य की उंगली यहाँ पर बिल्कुल एकदम शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई है, यानी कि ये बात निश्चित हो गई कि आप अपने परिवार के साथ में बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, परिवार को साथ लेकर के चलते हैं और अपनी तरफ से कुछ ऐसा नहीं करते कि जिससे किसी भी विवाद का सामना पारिवारिक स्थितियों के अंतर्गत हो। तो बहुत ही अच्छे सूर्य की उंगली, बड़ी अच्छी सोच के साथ दर्शन करने वाली और ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाली। अब बात कर लेते हैं आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली थोड़ा सा टर्न हो कर रही है वो आपके सूर्य की उंगली की तरफ। जब जब ये शनि की उंगली थोड़ा वो टर्न करती है इस उंगली की तरफ, तो व्यक्ति को जीवन में शनि की साढ़े साथी, शनि की ढैया और शनि की महादशाएं, पितृदशाएं जब जब आएंगी तो व्यक्ति को उस समय जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा खराब नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ समस्या उस समय पर स्थिति आदमी के सामने आती है। अब बात कर लेते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली की। ये बृहस्पति की उंगली है और बृहस्पति की उंगली यहाँ पर एकदम शनि की उंगली के साथ में यहाँ चिपकी हुई है। ईश्वर के प्रति आस्था, लोगों के प्रति अपना व्यवहार सही तरीके से रखना, सही उत्तम तरीके से सोचना और सही तरीके का धन कमाने की उंगली ये यहाँ पर आपके हाथ के अंदर दर्शित कर रही है। अब बात कर रहे हैं आपकी हम बुध पर्वत की। बुध पर्वत उंगली का टावर बहुत अच्छा, इस प्रकार की ये खड़ी हुई रेखाएं जो इस प्रकार को दर्शाती हैं कि जीवन के अंतर्गत व्यक्ति बहुत अच्छी सोच रखता है, बहुत अच्छी उसकी याददाश्त होती है। साथ में व्यापारिक रेखाएं भी जा करके यहाँ से निकल रही हैं। यानी ये तो एक बात हो गई। आपने जब पूछा था कि भाई मुझे, मैं व्यापार कर रहा हूँ तो मेरे आगे आने वाले समय में व्यापार का हिसाब किताब दिखता भी है कि नहीं दिखता है, तो देखिए मैं आपको ये बताऊँ कि व्यापारिक रेखाएँ आपके पास में हैं और उसके बाद में सहयोगी रेखाएँ भी व्यापारिक की है। तो ऐसी बात नहीं है, आपके अंदर बिल्कुल निश्चित रूप से व्यापार करने की क्षमता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और अभी ये बाकी का उंगलियों को पढ़ के मैं बताऊँगा। तो चलिए यहाँ ये हो गया। अब बात कर लेते हैं आपके सूर्य पर्व की। ये सूर्य का पर्व और सूर्य के पर्व पर इस तरीके से अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर कुछ नक्षत्र जैसा नज़र आता है। ये यहाँ पर कुछ नक्षत्र जैसा नज़र आता है। यदि सूर्य प्रक्षेत्र पर यदि ये वास्तव में नक्षत्र बन गया है तो ये अपने आप में अच्छा संयोग नहीं कह सकते, क्योंकि जब नक्षत्र यहाँ बनता है तो व्यक्ति को अड़चनें बहुत आती हैं अपनी ऊंचाइयाँ प्राप्त करने में। अब इतना भर समझिए, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत संघर्ष करवाता है ये ऊंचाइयों को प्राप्त करने में। तो बिल्कुल कमर बंध लीजिए, कोई जीवन में बड़ी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे व्यक्ति चाहे और प्राप्त नहीं कर सकता। तो बहुत मेहनत कराएगा, कर लीजिए मेहनत, मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आपके एक और पर्व की, जिसको बोलते हैं शनि का पर्व, यानी कि धन का पर्व। शनि का पर्व, धन यहाँ पर, पद का पर्व, ये यहाँ से जाती हुई रेखाएँ और इस तरीके से ये उगती हुई, यानी एक बात को दर्शाती है कि जीवन के अंतिम चरण तक आपके पास स्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आपके पास धन के आगमन बने रहेंगे, ये यहाँ पर दर्शाती हुई आपकी रेखाएं हैं। अब बात कर लेते हैं आपके बृहस्पति पर्व की। ये बृहस्पति का पर्व है और बृहस्पति के पर्व पर ये रेखाएं जा रही हैं यहाँ से, यानी बृहस्पति ज्ञान का कारक, और उसके जब शनि के पर्व की तरफ रेखाएं देखें तो इसका मतलब ज्ञान के द्वारा धन कमाना। साथ ही साथ ये जब इस तरह के वो बन जाते हैं ब्रैकेट्स, तो ये इस बात को दर्शाते हैं कि व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जीवन में मकान बना पाता है। तो यहाँ बिल्कुल एक प्लॉट हो सकता है, एक मकान हो सकता है,
दो मकान हो सकते हैं, ऐसा दर्शाने वाली ये स्थिति यहाँ पर दर्शा रही है। चलिए आपका जो सवाल है, हाउस है क्या बंगला बना पाऊंगा, ये आपका सवाल है, उसको मैं आगे बताने वाला हूँ। चलिए अभी यहाँ पर मकान बनने के ही योग दिखाई दे रहे हैं, चलिए आगे चलते हैं। अब आपकी बात कर लेते हैं हृदय रेखा की। हृदय रेखा पत्नी के साथ मेलजोल, बृहस्पति पर्वत पत्नी के साथ मेलजोल, शुक्र पर्वत पत्नी से सहयोग और साथ के साथ वैवाहिक रेखाएं, ये आपके हाथ के अंदर कुल मिलाकर सारी जो जोड़ है सब चीज़ों का भला करके वही बताता है कि आपके जीवन के अंदर आपको पत्नी का सहयोग रहेगा। आपने कहा बुढ़ापे में साथ रहेंगे क्या, बिल्कुल निश्चित रूप से, यहाँ पत्नी की भी आयु अच्छी खासी है और आपकी आगे मैं बताने वाला हूँ, तो बुढ़ापे तक पति पत्नी के साथ रहेगी, बृहस्पति पर्व अनुकूल है और बेटा भी साथ रहेगा, तो पत्नी बेटा बुढ़ापे तक साथ रहेंगे ये निश्चित बात है। तो चलिए यहाँ आप बात कर लेता हूँ इसी हिसाब से हृदय रेखा को, अगर मैं देखता हूँ तो कोई यहाँ पर कोई बड़े रोग के संकेत अभी नहीं है, आप मन से बहुत सच्चे पवित्र आदमी हैं, ये यहाँ पर दर्शाने वाली आपकी रेखा भी है। तो चलिए ये हो गया, अब मैं बता देता हूँ मंगल पर्व। मंगल पर्व आपका बहुत ज़्यादा उठा हुआ पर्व है, जब इतना ज़्यादा मंगल पर्व उठा हुआ होता है तो व्यक्ति के साहस की सीमा नहीं होती, व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार है, यानी कि चलिए ये एक तरह का अच्छा इंडिकेशन कह सकते हैं, लेकिन ये क्या है, ये अति कर देता है, जब इतना ज़्यादा उठ जाता है तो व्यक्ति बस ये सोचता है मैं कुछ ना कुछ कर डालूँ, ऐसा उसके दिमाग में हर वक्त रहता है। तो बिल्कुल अति मत करिए, बड़े आराम से सोचिए, आपके पास बुद्धि रेखा बहुत जाए, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये फ्लैक्स बता रहा है, ये ऊंचाई बता रही है कि बिल्कुल जल्दबाजी आप ना करें। आइए बात कर लेते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा की। ये मस्तिष्क रेखा और इतनी ज़्यादा ढलवा होकर के चंद्र पर्वत तक पहुंच गई, इसके बहुत सारे फल हैं। नंबर एक फल इसका ये है कि दिमाग में है मुझे विदेश जाना है, ये रेखाएँ भी आ गई, आप विदेश में बस भी गए, आप विदेश में पहुंच भी गए, साथ ही साथ यहाँ देखें तो अंदर शुक्र पर्वत से भी एक रेखा आकर के आपकी भाग्य रेखा में चली गई, यानी कि विदेश में रहेंगे और विदेश से धन भी कमाएंगे और विदेश में भाग्य भी बनाएंगे। तो यहाँ मस्तिष्क रेखा जब इतनी ज़्यादा जाकर ढलवा चंद्र पर्वत पर पहुँच जाती है, जहाँ उसके ये सब थे पीछे कि विदेश में जाके बसेगा वहाँ से कमाएगा, ये सब संकेत मिलते हैं, तो एक बुरा संकेत भी मिलता है। जब जब मस्तिष्क रेखा इतनी ज़्यादा ढलवा हो जाती है और जाकर के उसका संबंध ये नीचे से जो केतु से निकल करके रेखा आ रही है, तो ऐसे व्यक्ति कितनी बार देखा गया है कि अपने जीवन के अंदर ऐसे व्यक्ति साधनाएं अच्छी कर लेते हैं, ईश्वर के प्रति आस्था उनकी बहुत ज़्यादा होती है, परंतु साथ के साथ जब इतनी मस्तिष्क रेखा ढलवा हो जाए तो व्यक्ति के अंदर कई बार उसको एहसास हो जाता है पहले से पहले कि ये सब घटनाएं मेरे साथ होने वाली है या ये सब घटनाएं कुछ होगी, तो आपने या ये समझ लीजिए जैसे आपने कहा ऐसा लगता है मेरा जन्म कुछ करने के लिए हुआ है, तो ये सब चीज़ें इस तरह की आपके मानसिक जो रेखा इतनी ज़्यादा ढलवा हो गई है, आपके दिमाग में न जाने कितने तरह के विचार आते होंगे, तो ज़्यादा विचार आना ये एक अच्छा इंडिकेशंस नहीं मिला। आपकी ये मस्तिष्क रेखा इतनी ज़्यादा जब ढलवा हो जाती है तो व्यक्ति के अंदर पल पल में विचार बदलते हैं और उन पल पल में विचार बदलने के कारण व्यक्ति जल्दबाजी कर जाएगा और जल्दबाजी कर जाएगा तो व्यक्ति नुकसान उठा जाएगा। तो ये यहाँ पर दर्शाता हुआ आपकी मस्तिष्क रेखा। अब बात कर लेते हैं हम आपकी भाग्य रेखा की, क्योंकि मैंने सारी रेखाएं बता दी आपको। ये भाग्य रेखा आपकी यहाँ नीचे से ही चल रही है, व्यक्ति परिवार से मजबूत है, साथ ही साथ भाग्य रेखा ये 35 वर्ष पर पहुंच गई और 35 वर्ष के बाद में एक ये भाग्य रेखा यहाँ जाकर के यदि मैं इसको देखूं तो लगभग 50 वर्ष पर जाकर के एक जो ट्रायंगल बन रहा है ये इस बात को दर्शा रहा है कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका 50 से लेकर 55 के बीच में होगा, ये बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी हाउस से संबंधित होगा। यानी जो आप बात कह रहे थे क्या मैं बंगला बना पाऊँगा, ये तो मुझे नहीं पता बंगला बना पाऊँगा, लेकिन ये मुझे पता है कि 50 से 55 के बीच में आपको एक बड़ा मकान भी यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो ये यहाँ पर दर्शाती हुई आपकी
ये ट्रायंगल जो था वो इस बात को दर्शा रहा है। तो सबसे पहला सवाल हो गया, हाउस है क्या बंगला पर आऊंगा ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ बड़ा आज के मकान से बना पाएंगे और वो होगा 50 से 55 वर्ष के बीच में। दूसरा, पिछले 4 साल से परेशानी चल रही है, तो चलिए यहाँ आपको मैं बता दूँ, ये आपकी उम्र 39 साल है और 39वें वर्ष में यहाँ पर आपको कुछ रेखाएं आकर के काट रही हैं। यहाँ पर ये या रेखाएं जो 39वें वर्ष में आके काट रही हैं, इसको कहते हैं कि भाई थोड़ा बहुत परेशानी आ रही है, आप ज़्यादा बिल्कुल मत घबराइए, निश्चित रूप से ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और यहाँ पर एक सहायक रेखा और निकली है, जो हो सकता है आप नौकरी छोड़ करके आए हों और आप व्यापार कर रहे हों, तो ये सहायक रेखा भी अच्छी प्रकार से जा रही है और निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। अभी जो आपकी समस्या है वो माइंड माइंड से संबंधित ज़्यादा है, तो बिल्कुल आप इससे मजबूत होकर के कैसे निकलेंगे ये मैं उपायों में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, तो आपने कहा क्या बुढ़ापे तक काम करेंगे, बिल्कुल मैंने बता दिया आपको कि निश्चित रूप से बुढ़ापे तक आपके पास धन के कारक हैं और आप बिल्कुल बुढ़ापे तक कार्य भी करते रहेंगे। तो ये आप अपने आप ही खुद ये कह देंगे भाई छिलके बच्चे संभालने वाले मैं नहीं कर रहा, उस तरह से देखभाल पे आ जाएंगे, तो बिल्कुल निश्चित रूप से बुढ़ापे तक काम करेंगे, व्यापार आपका ठीक हो जाएगा। 2 साल से बिजनेस किया है कैसा रहेगा, बिल्कुल आपके पास व्यापारिक रेखाएं हैं, व्यापारिक रेखाओं के साथ सहायक रेखा भी हैं, बस आपकी मस्तिष्क रेखा डलवा है, आप जल्दी ना करें। व्यापार एक ऐसी चीज़ होती है जो समय लेती है, ये अनुभव की बात है, व्यापार जो होता है वो थोड़ा समय लेता है, और जब आदमी समय लेकर के पैसा इन्वेस्टमेंट कर देता है और उसके बाद 2 साल तक उसको नुकसान भी होते हैं, लेकिन अनुभव उसके पास आता है, और जब वो अनुभव आता है तो उसके बाद व्यक्ति जीवन में आगे को बढ़ता चला जाता है। तो ये तो मैंने बात बताई एक्सपीरियंस की, लेकिन मैं तो भाग्य रेखा देखता हूँ ना, तो भाग्य रेखा मैंने देखी आपका साथ दे रही है, भाग्य रेखा आपका साथ देगी, बिल्कुल निश्चित स्थिर होकर के अपने व्यापार के प्रति लगे रहें, क्या क्या कमी रह गई मेरी उस कमी को धीरे धीरे दूर करते रहें, और आप निश्चित रूप से अपने व्यापार में सफल होंगे, ये कोई इसमें कोई दो राह नहीं है। तो 2 साल से बिजनेस किया है ठीक रहेगा आपका। अब बात कर लेते हैं आपका शुक्र पर्व। देखिए शुक्र पर्व बहुत बॉल की तरह से एकदम उठा हुआ है, शुक्र पर्व जब इतना ज़्यादा उठा हुआ होता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इच्छाएं करता है, मेरे पास ये हो मेरे पास वो हो, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करता है, और ये शुक्र पर्वत जब इतना होता है तो ये इच्छाओं के लिए मतलब इच्छाओं की पूर्ति के लिए आदमी व्यक्ति बहुत लालायित रहता है। कुल मिलाकर के शुक्र पर्व को ठीक रखिए, ज़्यादा इच्छाएं मत पालिए, धीरे धीरे बढ़िए, और बिल्कुल बहुत अच्छा हाथ है, आप जीवन में कुछ करने के लिए ही आए हैं, ये आपने पूछा भी है और आप करेंगे भी, निश्चिंत रहिएगा आपके जीवन में आप सारी सुख सुविधाएं आप प्राप्त कर पाएंगे, ये आपके हाथ के अंदर दर्शाता हुआ। आइए बात कर लेते हैं आपकी आयु रेखा की। यहाँ आयु रेखा की बात करें तो आयु रेखा आपकी बहुत अच्छी है, यहाँ पर अगर कुल मिलाकर आयु रेखा देखूँ तो बिल्कुल 80-82 वर्ष की आपकी आयु वर्तमान में दिख रही है, आगे भी ये रेखाएँ बढ़ जाती हैं। तो कुल मिलाकर के सारी चीज़ें मैंने आपकी देखी, तो उसमें अनुसार आपके मैंने सारे सवालों के जवाब भी दिए। अब मैं आपको थोड़ा सा उपाय ज़रूर बताना चाहूँगा, ये उपाय आपको निश्चित रूप से करने भी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपकी जो मस्तिष्क रेखा है ये इतनी भ्रमित रेखा है कि इसको ठीक करना कैसे पड़ेगा। तो देखिए यहाँ इसके लिए सबसे पहले रोजाना आप संकट नाशन गणेश स्रोत, संकट नाशन गणेश स्रोत प्रतिदिन पढ़ें। नंबर दो, आप प्रतिदिन अपनी पूजा में रुद्राष्टकम, भगवान शिव की पूजा होती है रुद्राष्टकम, वो पढ़ें। नंबर तीन, भगवान शिव के मंदिर में जाकर के उनके परिवार को अगर रोज़ चाहे रोज स्नान करा सकते हैं, नहीं तो कम से कम सोमवार के दिन जाकर के शिव मंदिर में जाकर के उनके परिवार को स्नान कराएं। तो ये सब चीज़ें करिए, थोड़ा मानसिक मजबूती रखिए, थोड़ा टहलिए घूमिए, एनवायरनमेंट में जो कुदरती चीज़ें हैं उनको एहसास कीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि व्यापार से अलग थोड़ा सा और किसी दूसरे माहौल में घूम करके आए जिससे आपको एनर्जी मिले, तो ये सब कीजिए। और साथ ही साथ आपको जो है एक बहुत बेहतरीन सा पन्ना इस उंगली में पीने से पहन लेना चाहिए, जो थोड़ा बहुत मस्तिष्क रेखा भ्रमित होती है वो भ्रमित नहीं होगी, एक बेहतरीन सा पन्ना आप इस उंगली में पहन लीजिए।
बस इतना भर करिए, फिर देखिए जीवन के अंदर कैसे सुगमता से आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो आशा करता हूँ आपकी सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया होगा। नमस्कार।